दोस्तों आप सभी का हमारे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत है। दोस्तों इस दुनिया में कुछ ऐसे खतरनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाले ब्रिजेस मौजूद है जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ग्लास ब्रिज से लेकर बेड ब्रिज जैसे चीज आज आप लोग इस वीडियो में देखने जा रहे हैं, इसलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर एक, दोस्तों चाइना का माउंट ह्यूशान ब्रिज सबसे अनोखा है क्योंकि यह पहाड़ों पर मौजूद है और इस ब्रिज का रास्ता हद से ज्यादा ही पतला है, जो कि 7000 फीट इतना ऊपर यह ब्रिज बनाया गया है जिसपे लोग अपनी जान को हथेली पर रखकर इस ब्रिज को पार करते हैं। आप ही देख लीजिए कि कैसे अगर किसी का इसमें पैर फिसल जाए तो वह सीधा नीचे 7000 फुट नीचे गिर सकता है। और यह ब्रिज कोई आम ब्रिज नहीं है बल्कि इसे हाइकर्स के लिए बनाया गया है और इसीलिए इसको हाइकिंग ब्रिज कहा जाता है। वैसे तो इसमें हाइकर्स को सेफ्टी हुक्स लगाया जाता है, पर हमेशा सेफ्टी हुक्स पे हमें भरोसा नहीं करना चाहिए क्योंकि यह कभी भी टूट सकता है और इसी के वजह से लोग इस ब्रिज को बड़े धीरे से पार करते हैं। और हैरानी वाली बात यह है कि यह ब्रिज शुरू होने से पहले वहां पर बोर्ड पर यह लिखा गया होता है कि आपकी जान आपके जिम्मेदारी है, पर फिर भी लोग यह पढ़ने के बाद भी यहां पर हाइकिंग करने के लिए आते हैं। अब जरा ये देखिए, जिसे ब्रिज तो नहीं बल्कि एक अलग तरह का टूरिस्ट अट्रैक्शन कहा जा सकता है, जिसमें एक बेड को हवा में रस्सी से बांध दिया गया है और उसी पर लोग जाकर हवा में सोने का एहसास करते हैं, जो कि चाइना में यह स्थित है। नंबर दो, लांगकवाई स्काई ब्रिज मलेशिया के पहाड़ों पर बनाया गया है जो कि दिखने में यू शेप का लगता है और यह मलेशिया का सबसे खूबसूरत ब्रिज में से एक माना जाता है, जो कि 2000 फीट इतना ऊपर बनाया गया है और 400 फीट इतना लंबा है, जिसमें पहले तो जाने के लिए लोग केबल कार पर राइड करके यह ब्रिज पर पहुंचते हैं और ऊपर से नीचे देखने के लिए इस ब्रिज के कुछ जगहों पर ग्लास लगाया गया है। और जिसको ऊंचाई से डर लगता है उनके लिए तो यह बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि इसकी चौड़ाई मात्र 6 फीट ही है। अब इस अनोखे ब्रिज को देखिए जो कि चाइना में स्थित है और यह एक तरह का टूरिस्ट अट्रैक्शन है जिसमें लोग यह ब्रिज को पार करते समय हमेशा बार बार गिर जाते हैं। नंबर तीन, दोस्तों पाकिस्तान में स्थित हुसैनी ब्रिज भी सबसे खतरनाक है क्योंकि यह ब्रिज नदी के ऊपर सिर्फ रस्सी और लकड़ियों से बनाया गया है और उन लकड़ियों के बीच में बहुत ज्यादा गैप भी है जिससे लोगों का पसीना निकलने लगता है इस ब्रिज को पार करते समय, और चलते समय यह ब्रिज कुछ ज्यादा ही हिलने लगता है जिससे लोगों को नीचे गिरने का डर बना रहता है। और यहाँ तक यह ब्रिज पार करते समय इस पे कोई सेफ्टी हुक्स भी नहीं दिया जाता जिसपे अक्सर वहाँ के रहने वाले लोग इस ब्रिज को पार करते रहते हैं। नंबर चार, यह फ्लोटिंग ब्रिज चाइना में स्थित है जिसे पानी के ऊपर बनाया गया है, मतलब यह ब्रिज पानी के ऊपर फ्लोट यानी तैरता है, जो कि जब इस पर गाड़ियां चलाई जाती है तो ऐसा लगता है कि गाड़ी पानी में तैर रहा है। और इसे ऐसा इसलिए बनाया गया है क्योंकि यह टूरिस्ट अट्रैक्शन है जो कि इसी अनोखे ब्रिज के वजह से लोग बहुत दूर दूर से खींचे चले आते हैं, जो कि आप ही देखिए कि कैसे इस पर कार चलते समय यह ब्रिज हिलने लगता है जैसे कि यह ब्रिज खुद ही तैर रहा हो। और इसे ऐसा बनाया गया है कि इस पर बड़ी बड़ी गाड़ियां चलते समय भी यह ब्रिज पानी में डूबता नहीं है। नंबर पाँच, ये है सबसे खतरनाक ब्रिज जिसका नाम मेकोंग रिवर ब्रिज है और यह ब्रिज सिर्फ एक पतले वायर से बनाया गया है जिसमें नीचे चलने के लिए एक वायर लगाया गया है और ऊपर पकड़ के चलने के लिए एक दूसरा वायर। और इस ब्रिज को ऐसा इसीलिए बनाया गया है क्योंकि जब इस पानी के ऊपर दूसरे ब्रिज बनाए गए थे तो वह पानी के तेज बहाव के वजह से टूट जाते थे, इसीलिए इस वायर ब्रिज को बनाया गया है। और इसी खतरनाक वायर ब्रिज पे लोग हर रोज पार करते हैं जिसपे जान जाने का हमेशा खतरा बना रहता है। नंबर छह, दोस्तों यह ऑस्ट्रेलिया का नेशनल पार्क ब्रिज हमेशा पानी से भरा रहता है और उसी के वजह से इस ब्रिज पर खतरनाक मगरमच्छ भी आ जाते हैं, जिस पर गाड़ी चलाते समय कभी कभी मगरमच्छ गाड़ियों पर भी हमला कर देते हैं। और यहाँ के पानी का बहाव तेज होने के वजह से इस ब्रिज पर गाड़ियां भी पलट जाती है, जिसपे इसमें मगरमच्छ और गाड़ी पलटने का दोनों का डर बना रहता है। नंबर सात, इस दुनिया के आधे से ज्यादा खतरनाक ब्रिज तो चाइना में ही मौजूद है जिसमें से एक है यह वाटरफॉल ग्लास ब्रिज, जो कि ग्लास ब्रिज के साथ इस ब्रिज से वाटरफॉल भी नीचे गिरता है जिसमें लोगों को हवा में चलने का महसूस होने के साथ वाटरफॉल भी दिखने को मिलता है। और यह वाटरफॉल ब्रिज रात में कुछ ज्यादा ही खास लगता है क्योंकि रात में यह ब्रिज पूरी तरह से लाइट से भरा होता है। नंबर आठ, वियतनाम का यह गोल्डन ब्रिज अपने अनोखे डिजाइन के वजह से पूरी दुनिया में काफी प्रसिद्ध हो गया है क्योंकि यह ब्रिज पे दो पत्थर के हाथ बनाए गए हैं जिसे देख के ऐसा लगता है कि यह ब्रिज को यह दोनों हाथ ने उठाया हुआ है, जो कि ऊंचाई में यह ब्रिज पहाड़ों पर मौजूद है। और इसी के अनोखे डिजाइन के वजह से यहाँ पर बहुत भारी संख्या में टूरिस्ट आते हैं। अब ये भी देख लीजिए, जिसमें लोग इस हैंड के जैसे बनाए गए डिजाइन पर खड़े होकर अपना फोटो खिंचवाते हैं, जो कि दिखने में सच में लाजवाब है और ये भी चाइना में स्थित है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना।